हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे का लास्ट ईयर फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन सभी के लिए बहुत बड़ा चांस दोबारा DOE ने दिया है। दोबारा DOE ने एक गाइडलाइंस जारी किया है जो 24/2/2022 को गाइडलाइंस आ गई थी, मतलब कल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये जो गाइडलाइंस है 24/2/2022 को जारी कर दी गई थी, और इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस फॉर द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स अंडर EWS, DG एंड CWSN कैटेगरी फॉर फ्रेश एप्लीकेशंस अगेंस्ट रिमेनिंग वैकेंट सीट्स फॉर एकेडमिक सेशन 2021-2022 ऑफ क्लास नर्सरी प्री स्कूल। मतलब कि जो पेरेंट्स लास्ट ईयर एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे किसी रीज़न की वजह से, या दोबारा जो फॉर्म निकले थे जनवरी के महीने में उस टाइम भी वो अप्लाई नहीं कर पाए थे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है अपने बच्चे का फॉर्म दोबारा अप्लाई करने का। ये जो फॉर्म है ये लास्ट ईयर के सेशन के लिए है, मतलब 2021-22 के लिए, और आप अपने बच्चे का जो फॉर्म है नर्सरी प्ले स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चांस है। ये हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, दिल्ली की ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर किया गया है कि जितनी भी लास्ट ईयर की जो सीट्स वैकेंट हैं उन सीट्स को फिल किया जाए, जो EWS DG कैटेगरी के जो वैकेंट सीट हैं उन सीट को इस साल तक, मतलब जो नए सेशन के फॉर्म निकलेंगे उस फॉर्म से पहले इन सीट्स को फिल किया जाए। तो बहुत बड़ा मौका है आप सभी के लिए। तो अगर आपने मिस कर दिया था उस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि the list of school with available vacancy seats will be available on department website www.edudel.nic.in पर 25/2/2022, मतलब आज की डेट पर 5 बजे वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसमें आप देख सकेंगे कि किस स्कूल में किस क्लास के लिए सीट्स खाली है, और आप अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहाँ डेट भी देख सकते हैं, मेंशन डेट किया हुआ है, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन मेड्यूल फॉर फिलिंग ऑन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द EWS DG CWSN कैटेगरी एप्लीकेंट्स, मतलब 25/2/2022, मतलब आज की डेट से 5 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, और जो ये एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है, अप्लाई करने की लास्ट डेट है, वो होगी 3 मार्च 2022 थर्सडे, उस दिन होगा, और आप केवल 11 बजे तक ही ये फॉर्म भर सकते हैं 3 मार्च तक। और जो कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा, आप देख पा रहे हैं कंप्यूटराइज ड्रॉ जो निकलेगा वो 7 मार्च 2022, मतलब मंडे को कंप्यूटराइज ड्रॉ हो जाएगा। आपके बच्चे का नाम अगर लिस्ट में आता है तो वहाँ शो कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा मौका है, और मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी जिन्होंने लास्ट ईयर अपने बच्चे का फॉर्म भरना मिस कर दिया था, वो ज़रूर अपने बच्चे का फॉर्म भरें और इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है DOE ने कि द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर बट रिमेन अनसक्सेसफुल इन द ड्रॉ ऑफ लॉट सो फार अगेंस्ट द EWS DG एंड CWSN कैटेगरी सीट्स नीड नॉट टू अप्लाई अगेन फॉर दीज वैकेंट सीट्स एंड देयर अर्लियर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड। मतलब कि वो पेरेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर अपने बच्चे का फॉर्म भरा था लेकिन उनका ड्रॉ में नाम नहीं आया, उन पेरेंट्स को ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
उन्हीं जो पहले उन्होंने फॉर्म भरा था उनको ही कंसीडर किया जाएगा, उन्हीं को मान्य माना जाएगा और उन बच्चों का भी सिलेक्शन लकी ड्रॉ में किया जाएगा। तो आप जिन्होंने लास्ट ईयर फॉर्म भरा था उनका ड्रॉ में नाम नहीं आया है, वो दोबारा फॉर्म ना भरे, वो बेफिक्र होकर बैठे, क्योंकि उन बच्चों का भी नाम इंक्लूड किया जाएगा। और जिन्होंने नहीं भरा था, जिन्होंने फॉर्म भरना मिस कर दिया था, वो अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, बार बार कह रही हूं कि इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिएगा। और शाम को 5 बजे लिस्ट जारी हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि किस किस स्कूल में वैकेंट सीट है। और मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको वो लिस्ट दिखाने की कोशिश करूंगी, तो आप बेफिक्र होइए। और देखिए, एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहां पे दिया हुआ है कि अगर लास्ट ईयर किसी पेरेंट्स, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करके भी पूछ रहे हैं कि मैम लास्ट ईयर मेरा एडमिशन, लास्ट ईयर मेरा लकी ड्रॉ में नाम आ गया था, बट स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं लिया है क्योंकि जनरल कैटेगरी में एडमिशंस नहीं हुए थे, वो रीजन बताया गया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नंबर शो कर रहा है, इस आप देख रहे हैं डीओई ने 2 नंबर यहां पर रिलीज किए हुए हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं। तो इन नंबर पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेन, अपनी बातों को बता सकते हैं, उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। इन नंबर पर आप कॉल कीजिए। और कॉल करने का जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है 10:30 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक। आपको इसी टाइम में ही, और वर्किंग डे मतलब सैटरडे संडे को छोड़कर, आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इन 4-5 दिनों में किसी भी दिन 10:30 बजे सुबह से लेकर 4:30 बजे शाम तक कभी भी कॉल करके आप डीओई से अपनी किसी भी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। तो दोबारा मैं बोलना चाहूंगी कि ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, इसको हाथ से नहीं गंवाना है, आप जरूर इस फॉर्म को भरिए। और एज के बारे में मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगी कि देखिए, क्लास नर्सरी क्लास में अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहेंगे, तो नर्सरी क्लास में फॉर्म भरने के लिए आपके बच्चे की एज 3 साल से 5 साल के बीच में होनी चाहिए, मतलब 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डेट ध्यान रखना है आपको 31/3/2021 के डेट को रखकर ही आपको आंकलन करना है, क्योंकि जो ये फॉर्म है ये 2021-22 के सेशन के लिए हैं। और अगर आपके बच्चे का नाम, देखिए अगर आपके बच्चे का लकी ड्रॉ में नाम आ जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके बच्चे के एडमिशन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके बच्चे का साल भी सेव हो जाएगा, क्योंकि अगर 2021-22 में अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं, तो अगर नर्सरी क्लास में आप लास्ट ईयर करवाने वाले थे तो लेकिन आपकी 1 साल निकल गया, तो आपको केजी में करवाना होता, बट वो नर्सरी क्लास आपका वहाँ काउंट करेगा 2021-22 के सेशन में। तो बहुत बड़ा मौका है। और आप केजी क्लास में देख लीजिए, केजी क्लास में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की एज होनी चाहिए 4 से लेकर 6 साल, मतलब अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से अधिक है और 6 साल से कम है, तो आप अपने बच्चे का जो फॉर्म है केजी क्लास के लिए भर सकते हैं। और क्लास फर्स्ट के लिए आपके बच्चे की एज होनी चाहिए 5 से लेकर 7 साल, मतलब 5 साल से अधिक और 7 साल से कम होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, एज के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का फॉर्म भरिए। एज का जो आंकलन है आपको 31 मार्च 2021 को रखकर करना है, 31 मार्च 2022 को नहीं रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्म है 2021-22 के सेशन के लिए है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब कीजिए और अपने बच्चे का फॉर्म जरूर भरिए। यहाँ पे एक और मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा CWSN कैटेगरी में आता है, या मतलब आपका बच्चा डिसेबल्ड कैटेगरी में आता है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि नर्सरी क्लास के लिए एज 3 से 9 साल है, और 3 से 9 साल के बीच में अगर आपका बच्चा है तो अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। केजी क्लास के लिए 4 से लेकर 9 साल के बीच में है अगर आपका बच्चा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और क्लास फर्स्ट के लिए अगर आपके बच्चे की एज 5 से लेकर 9 साल के बीच में है, तो भी आप ये अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं फर्स्ट क्लास के लिए। तो प्लीज़
मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि शाम को 5 बजे लिस्ट आ जाएगी आपके आसपास के एरिया में, या थोड़ा सा दूर भी अगर होता है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि ये 2021 और 22 के सेशन के लिए फॉर्म है। और अगर इस फॉर्म में अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आता है, ड्रॉ में नाम नहीं आता है, तो आपके पास दोबारा चांस मिलने वाला है 10-15 दिन के बाद। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज आप अपने बच्चे का फॉर्म जरूर भरिए और इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।